हेलो भाई, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आर सो डूइंग वेल। वेलकम टू बीकल 24 चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ SP125 के बारे में। SP125 के बारे में मेरे क्या क्या ओपिनियन है, इसकी वजह से गाड़ी को लेना चाहिए, उसके बारे में बात करूँगा दोस्तों यहाँ पर। और ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हाँ, कुछ गलती मैंने की थी कि जब SP125 जल्दी से स्टार्ट हुई थी, यानी कि जब जल्दी से लॉन्च हुई थी, उसी टाइम पर मुझे गाड़ी पसंद आ गई थी, मैंने गाड़ी को ले लिया था। लेकिन उस टाइम पर मुझे कुछ दिक्कतें झेलने को मिली थी, वो बाद में दूर हो चुकी थी। मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले मैं बात करूँगा करना चाहूँगा कि मुझे ये बाइक क्यों लेनी चाहिए। तो दोस्तों, नंबर एक बाइक मुझे ये लेनी चाहिए क्योंकि आप देखोगे ये बाइक 125 cc की बाइक है, जो कि इसमें ना तो पावर कम है ना ही पावर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इसका माइलेज बहुत अच्छा मिलता है। 100 cc की बाइक जो है, जब लोड आता है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है, कहीं से लोड मानती है चलने में। लेकिन क्योंकि 125 cc की बाइक जो है वो सिंगल राइडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, कहीं पर भी लोड नहीं मानेगी, चाहे ऊँचाई हो चाहे आपका कैसा भी रास्ता सही, आप आराम से बेलेंस से चला सकते हो। तो पहला तो इसका पॉइंट यही है कि गाड़ी जो है औसत वेट की है, ना ही हल्की है ना ही भारी है, तो इसकी वजह से गाड़ी को हैंडल करना आसान होता है। दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा कि इसका जो माइलेज है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। 125 cc में आपको ये 65 से 70 तक का माइलेज दे देती है। हाईवे पर इससे हमने 70 से 75 तक का हाईवे माइलेज जो है लिया हुआ है। तो दूसरा पॉइंट हो गया माइलेज का। दोस्तों, तीसरा पॉइंट मैं इसका कहना चाहूँगा कि इसका टाइम से आप सर्विस कराते रहो तो उसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। हाँ, सर्विस में आप चूक करोगे तो उसके बाद में आपको दिक्कत हो सकती है और आपको अच्छी खासी चपत भी लग सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो होंडा की गाड़ी लेते हुए हो तो आपको उसकी सर्विस जो है टाइम से करानी पड़ेगी, नहीं कराओगे तो वो आपके लिए ही दिक्कत है। दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूंगा कि इस बाइक को क्यों और लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में बात करूंगा इस बाइक को लेना किस लिए चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सिंगल चलो या डबल चलो, दोनों ही आपके उस केस में गाड़ी का जो राइडिंग बैलेंस है वो अच्छा रहता है। सिंगल के मामले में थोड़ा ये है कि आप जिग जैग नहीं करोगे, स्ट्रेट चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिग जैग करोगे तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन डबल सवारी बैठी हुई है, यानी कि आपके पीछे आप राइडर के अलावा प्लेन में बैठा हुआ है, तो गाड़ी बहुत ही बैलेंस में चलती है। जब इसको 40 से 60 की स्पीड में चलाओगे तो बहुत ही अच्छा माइलेज निकाल के देती है और वो आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी इसको ट्रेवल कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूँगा इसके इंजन की। दोस्तों, इसका इंजन बहुत ही रिफाइंड है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इंजन जो है वो थोड़ा गर्म होता है, लेकिन जिससे ही गर्म होता है उसकी वजह से उतनी तेज़ी से ठंडा भी होता है। यानी कि आप लंबे डिस्टेंस पर जा रहे हो तो आप 50-60 किलोमीटर चलने के बाद में आप 10 मिनट का ब्रेक लोगे तो उसमें आपका इंजन जो है आराम से कूल हो जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट चलने के लिए आप फिर चल सकते हो। तो यदि आपको इस तरह से चलोगे तो आप लंबी जर्नी भी आसानी से निकाल सकते हो। इसके अलावा बात करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो आप चाहे सिटी की राइडिंग हो चाहे हाईवे की राइडिंग हो, दोनों में ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपको हाईवे पर माइलेज देती हैं लेकिन सिटी में उसका माइलेज बहुत ख़राब होता है। कुछ गाड़ियों का ऐसा होता है कि जो सिटी में आपको माइलेज अच्छा देती है लेकिन हाईवे पर जाकर उसका माइलेज ख़राब हो जाता है। तो उसके मामले में ये बैलेंस बाइक है, चाहे तो आप इसको सिटी में राइड करो चाहे इसको हाईवे पर राइड करो, दोनों में ही ये खरी उतरती है। दोस्तों, आगे बात करूंगा इस गाड़ी का जो सीटिंग पोजीशन है वो बहुत ही बढ़िया, यानी सिंगल सीट देखने को मिलती है और थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। तो इसमें क्या होता है कि आप लंबे डिस्टेंस पर जाते हो तो जिस गाड़ी में आपको पोजीशन चेंज करने का मौका नहीं मिलता है सीट की वजह से, चाहे वो स्प्लिट सीट हो चाहे वो स्ट्रेट सीट हो, तो इस गाड़ी में आपको लंबी दूरी पर सिंगल पर्सन भी यात्रा कर रहा है तो उसके लिए अपनी सीट को आगे पीछे होने का मौका मिलता है। तो उससे क्या है, उस जो राइडर होता है उसको थकान महसूस नहीं होती है, वो अपनी पोजीशन आगे पीछे चेंज कर सकता है क्योंकि सिंगल सीट मिलती है और थोड़ा सा स्टाइलिश से पीछे की तरफ थोड़ा ऊंची उठी होती है। तो आपको यहाँ पे दोनों तरह का आनंद मिलता है। जैसे रेसिंग बाइक होती है उसमें क्या होता है कि आपको जो आपका बंदा जो आगे हैंडल की तरफ झुक जाता है, तो इसमें भी है, जब लंबी दूरी गाड़ी में चल रहे हो तो आप अपने बैठने की पोजीशन उस तरफ पीछे कर लो तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो लुक है, वो एयर डायनेमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग आप आगे की तरफ झुक जाओगे तो गाड़ी जो है बहुत ही अच्छा बैलेंस करती है। तो दोस्तों, इसके अलावा आप देखोगे इस गाड़ी की जो सेल भी बहुत अच्छी होती है, तो क्योंकि ये गाड़ी आपको हर जगह मिलेगी इसलिए लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह मिलने का फ़ायदा ये होता है कि इस गाड़ी के पार्ट जो है आपको पूरे ऑल इंडिया में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले शुरू में नहीं मिलती थी, शुरू में पार्ट की दिक्कत थी, लेकिन आज की डेट में इस गाड़ी जो है ऑल इंडिया में बिकती है, अच्छी खासी बिक्री हो रही है इसकी, लोग अच्छे से ले रहे हैं, तो गाड़ी हर जगह अवेलेबल है, तो इसके पार्ट्स की भी कहीं पर भी दिक्कत होने वाली नहीं है, सर्विस की भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव पॉइंट है। कुछ पॉइंट मैं बात किया था पहले कि कुछ पॉइंट नेगेटिव मिले थे मुझे, जो शुरू में दिक्कत हुई थी, तो शुरू में दिक्कत ये होती है कि इसके मडगार्ड के आगे इसका जो आपका लेग गार्ड होता है उसकी वजह से आगे एक स्क्रैच पड़ गए थे। दूसरा ये कि इसमें गियर फंसने की दिक्कत आ रही थी, सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में करने में दिक्कत होती थी, गियर अटक जाता था, तो वो शुरू के इंजनों में इतनी दिक्कत हुई थी, कंपनी ने बाद में उसको सही कर दिया था। उसके अलावा देखोगे कि हाँ, थोड़ा सा हैंडल के ग्लास थे वो ढीले हो जाते हैं, तो वो तो जनरली वाइब्रेशन में ढीले हो जाते हैं, उसको तो आपको टाइम टू टाइम चेक कराना पड़ेगा, टाइट करवाना पड़ेगा। और उसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिली जो कि इतनी बड़ी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।